अस्सलाम वालेकुम आज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई गई प्लेलिस्ट कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी आसानी से। आपने सिर्फ चंद स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद आप आसानी से अपने चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इंपॉर्टेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले आपने अपने यूट्यूब स्टूडियो में चले जाना है। जो लोग यूट्यूब चैनल बनाकर इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि यूट्यूब स्टूडियो में कैसे जाया जाता है। आप YouTube स्टूडियो में जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा प्लेलिस्ट का। अगर आपने पहले से प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैंने रेड हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। आपने इसी तरह इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जाना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपकी बनाई गई तमाम प्लेलिस्ट सामने आ जाएंगी। मैंने सिर्फ दो प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं तो मेरे सामने दो ही प्लेलिस्ट आ रही हैं, जिनमें से एक को मैंने डिलीट करना है जिसको मैंने रेड हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। सिंपली मैं उस पर टैप करूंगा। टैप करने के बाद दो ऑप्शन मेरे पास ओपन होंगे। जो पहला ऑप्शन है एडिट का, जिसको मैंने रेड हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, इस पर मैं टैप करूंगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर मैं टैप करूंगा तो मैं सीधा YouTube की प्लेलिस्ट में चला जाऊंगा, जो कि ऑफिशियल एप्लीकेशन है YouTube की, वहां पहुंच जाऊंगा। वहां जाने के बाद तीन ऑप्शन मेरे पास होंगे, एक शेयर का, एक डिलीट का और एक एडिट का। तो चूंकि वीडियो हमने बनाई है प्लेलिस्ट को डिलीट करने के लिए तो हमने मिडिल वाला ऑप्शन जो कि रेड हाइलाइटर से हाईलाइट हुआ है इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर टैप करेंगे, ये डिलीट का ऑप्शन है, तो आपसे पूछा जाएगा कि डिलीट प्लेलिस्ट। तो आपने डिलीट का जो ऑप्शन है जो कि ब्लू कलर में आ रहा है, इस पर आपने टैप कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, आपकी वीडियो आपके चैनल पर मौजूद रहेगी लेकिन प्लेलिस्ट आपकी जो है वो डिलीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप सिर्फ चंद स्टेप्स को फॉलो करके अपने चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थी मेरे पास आज की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जिसकी तफसील शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।